तो एमएस एक्सेस के अंदर में आज हम बात करने जा रहे हैं टेबल क्रिएशंस के अंदर जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं। एक बार मैं उस डेटा टाइप को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? तो डेटा टाइप क्या है इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने कल की क्लास जब बनाया में हमने यूज किया था, तो हमने आपने देखा था कि हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था। अब इसी से बारे में हाँ करते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स है उसके बारे में चलते हैं, राइट? और इसको यूज ओके करके चलो देखेंगे। फिर हम कल से जो है नेक्स्ट क्लास है हम कैलकुलेशन यूज करेंगे। जैसे हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह यूज किया था कल, उसी तरह से और भी जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? पहले एक बार अच्छा डेटा टाइप को समझ लेते हैं। ठीक। हाँ ठीक तो मैंने जैसे टेबल डिजाइन किया, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं सी नेम लिखता हूँ, सी नेम, तो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट है। क्या है शॉर्ट टेक्स्ट? शॉर्ट टेक्स्ट मतलब हुआ जिसकी आप 255 करेक्टर तक, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि 255 करेक्टर तक की एंट्री करवा सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट में कैसे डालेंगे, जैसे कि नेम हो गया, सिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गई, ऐसा कोई भी 255 करेक्टर तक का जो कोई ऐसा नाम वगैरह है वो आप यहाँ डाल सकते, ठीक है? फिर यहाँ आता है हाँ लॉन्ग टेक्स्ट। अब जैसे किसी से आपको रिमार्क्स वगैरह लेना है, तो रिमार्क्स वगैरह तो ज्यादा होता है ना सर? हाँ हाँ, तो सर रिमार्क्स वगैरह के रिमार्क्स लिए है, आप यूज कर कमेंट्स है, सकते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है? तो रिमार्क्स वगैरह के लिए आप क्या लेंगे? लॉन्ग टेस्ट का लॉन्ग क्या है? टेस्ट का। जी बिल्कुल। उसके बाद आता है नंबर। अगर आप नंबर चूज करते हैं तो यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ अगर अमाउंट डालना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ क्या चूज करूंगा, नंबर चूज करूंगा, ठीक है? लॉन्ग टेक्स्ट के बाद जब नंबर चूज करते हैं, तो ठीक यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि क्या क्या होगा, लॉन्ग इंटीजर होगा और क्या होगा, क्या वगैरह वगैरह ले सकते हैं। क्या है, बाइट है। बाइट क्या है, बाइट आपका है कि आप 255 से ज्यादा नहीं ले रख सकते हो, 255 नंबर से ज्यादा नहीं डाल सकते। नंबर की बात करो, डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि 100, 200, 300, इसी तरह से 255 तक डाल सकते हैं। इंटीजर आप लेते हैं तो 32,000 समथिंग है, लॉन्ग इंटीजर में थोड़ा सा ज्यादा है, बट डेसिमल प्लेसेस तीनों में कहीं नहीं है। डेसिमल के लिए आपको डालना होता है डबल या डेसिमल, जनरली हम डबल लेते हैं, ठीक है? अगर हम नंबर यूज करते हैं तो, लेकिन नंबर में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसी में लार्ज नंबर आ जाता है। लार्ज नंबर में आप यहां पे कुछ चूज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली दिखाएगा, ठीक है? जैसे 15-16 डिजिट का अच्छा नंबर सर लिखना है, लेकिन 15 डिजिट से ज्यादा नंबर मत लिखिएगा। 15 डिजिट से ज्यादा नंबर होगा तो लास्ट को चीज को जीरो कर देगा। जैसे 16-17 नंबर डाला ना आपने, तो 16वां 17वां नंबर को जीरो कर देगा, क्योंकि आपकी कंप्यूटर 15 डिजिट की कैलकुलेशन के लिए ही डिजाइन की गई। इससे बड़ा कैलकुलेशन होगा तो वो आगे ओके बढ़ेगा ही ओके नहीं, ठीक है? ओके मतलब ओके। डेसिमल इसका की भी ध्यान बात कर रखिए। रहे हैं? बात करें, नहीं डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा देखिए अच्छा यहां होल पे, यहां पे मैं एक फोन नंबर्स, नंबर, ठीक है समझ गया। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, नंबर नंबर इन द नंबर फॉर्मेट। अभी से हमने DT1 किया, अब बताता हूँ आपको मैं। जैसे हम डेटा ओपन करते हैं, यहाँ पे DT1 ओपन करते हैं। अब इसमें जैसे अकाउंट नंबर है, राइट? तो यहाँ पे मैं 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट डाला, आपको दिख गया? ठीक है ठीक ऐसे मैंने 12, 13, 14, 15, 16 डाल दिया। इसको बड़ा करता हूँ, 16, 17, 18, 19। इसमें दिखता है सर, इसमें नहीं, इसमें नहीं डाल सकते, दिख रहा है आपको? लार्ज नंबर एक ए है आपका, ठीक है सर? ना इसकी भी नंबर जब ओके डालते हैं तो इसकी भी एक ओके कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा नंबर नहीं डाल सकते। जनरली हम 15 डिजिट तक के लिए रिकमेंड करते हैं कि 15 डिजिट तक आप नंबर को ले लें। अगर आपके पास अच्छा हमने, सर और साथ में हम ये भी बोलते हैं जो नॉन कैलकुलेटिव डेटा है, जैसे कि मोबाइल नंबर, जैसे कि अकाउंट नंबर,
ऐसे नंबर जिस पे हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना चाहते, ऐसे नंबर को हमेशा टेक्स्ट में लेना चाहिए। टेक्स्ट पे डाल दिया। ठीक है, हाँ ऐसे नंबर क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके हाँ ओके। तो लास्ट नंबर समझ में आ गया, डेट एंड टाइम। अब एक डेट एंड टाइम होता है और एक होता है आपका डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड। ठीक है, तो डेट एंड टाइम तो देख लिया था, अब एक दोनों लेते हैं। यहां पे हम डेट एंड टाइम लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं डीटी, और यहां पे DT1, और यहां पे डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड डाल देते हैं। फिर दोनों में देखते हैं कि क्या फर्क है। ठीक है सर, ओके डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड शायद तो सर डेट और डेट टाइम और दोनों टाइम एक दोनों साथ आए। एक साथ नहीं, देख लेते हैं। यहां पे डेट दिया हमने, दिख रहा है आपको? हम जो क्लिक कर रहे हैं वो हो जा रहा है, एक बार में एक ही डेट सिलेक्ट हो रहा है। हाँ चलिए एक्सटेंडेड में आते हैं, यहां पे मैंने सिलेक्ट किया 1, इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। एक्सटेंडेड का मतलब ये होता है कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि यहां से यहां तक, लेकिन नहीं, यहां नहीं है, इसलिए दोनों एक ही रखता है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है एक रेंज सेलेक्ट कर, जैसे कि हम लोगों का इसमें होता है VVA का लिस्ट बॉक्स में होता है कि एक्सटेंडेड लेते हैं या फिर नॉर्मल लिस्ट बॉक्स लेते हैं। तो ठीक ये है, डेट एंड टाइम और डेट एंड डेट टाइम एंड और टाइम डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड में एक्सटेंडेड में उसका उसका फील्ड फील्ड प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टी सर रहेगा कुछ क्या रहेगी सर, देख अलग? लेते हैं। डेट एंड टाइम में हम बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट है, जैसे आपने बोला ना कि मुझे टाइम लेना है, तो यहां से आप टाइम को फॉर्मेट देंगे तो फिर वहां टाइम आएगा। ठीक है सर, अच्छा ओके ओके। उसके बाद इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक्सटेंडेड में देखें तो एक्सटेंडेड में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सटेंडेड में थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगर टाइप डेटा नेम देते हैं तो इसमें आपका फॉर्मेट कैप्शन डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह है, और इसमें आते हैं तो इसमें इनपुट मार्क्स आ जाता है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आ जाता है, मतलब डेट एंड टाइम वगैरह यहाँ पे डालने के लिए इकट्ठा डाल सकते हैं आप। ठीक है ना, और यहाँ पे डेट पिकर आपको दिख रहा है, शो डेट पिकर। डेट पिकर में यहाँ पे अगर हाँ नेवर कर देंगे तो डेट पिकर नहीं आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डेट पिकर आएगा। ठीक ठीक है, ओके ओके। डेट एंड टाइम के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें बात करते हैं करेंसी। करेंसी जैसे कोई कोई अमाउंट वगैरह करेंसी यहाँ शो कर सकती है। अब करेंसी में यहाँ करेंसी पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट हमारा करेंसी है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फॉर्मेट करेंसी हो गया। अब इसमें आपका डॉलर का साइन होगा, मेरा रुपीज का साइन है, क्योंकि मेरा जो रीजन सिलेक्टेड है और इंडिया सिलेक्टेड, इसलिए। हाँ ठीक है, ठीक है उसके बाद बाकी जो फॉर्मेटिंग तो वही है जो बाकी सब में। करेंसी के बाद आगे बढ़ते हैं, करेंसी के बाद आता है ऑटो नंबर। वो तो पता ही आपको कि ऑटोमेटिकली नंबर आपका सेट होता है, इसमें जो है कोई खास ये नहीं है। यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा है कि आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या रैंडम के कोई भी रैंडम नंबर को भी डाल दें। ठीक है सर, ठीक है लेकिन अगर रैंडम चूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर प्राइमरी की है ना, इसको हटा के इसको बनाना पड़ेगा। मतलब होगा क्या कि कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। अच्छा अच्छा, जैसे एक्सेल में मतलब ये रैंडम रैंडम नंबर नंबर ऑटो भी तो चाहिए नंबर होगा। सही होगा नहीं समझे, जो ऑटो नंबर है ना, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता है, तो इसमें दो चीजें होती है, इंक्रीमेंट मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे एक डल गया तो नीचे दो डलेगा, उसके नीचे तीन डलेगा, उसको चार डलेगा, हाँ उसको पांच डलेगा, इस तरह से। ठीक है ना, ओके क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और आपने रैंडम डाल दिया तो कुछ भी डाल देगा,
हाँ हाँ बट मैं हाँ सोच पर रहा मैं हूँ सोच रहा हूँ रैंडम रैंडम नंबर कौन से नंबर कौन से सिचुएशन में यूज हो सिचुएशन में सकता है। यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप टेलीकॉलिंग है, राइट, क्यूसी क्वालिटी चेकर में। हाँ हाँ, अब आपको जो है मान लीजिए ट्रांजेक्शन चेक करना है, तो ये क्वालिटी चेकर जो होता है वो एक एक नहीं कर सकता, जो ऑडिटर है आपका, तो उसके सारी एंट्री चेक करना उसके लिए पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आप टेलीकॉलिंग टीम में है और आपको जो है ना कॉल सुनने हैं, कि आप कॉल सुन के और ये देने हैं, फीडबैक देना है, मैं भी कॉल होता है ना सुन। क्वालिटी। हाँ आपको जब फोन करते हैं तो बोलता है ना कि योर कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। तो टेलीकॉलिंग में एक यूसी टीम होता है जो कि कॉल्स को सुनता है और सुनने के बाद देखता है कि टेलीकॉलर ने क्या गलती किया है, जो गलती किया है उसका अच्छा हाँ रिस्पॉन्स देता है। समझ गया। समझ गया, तो तो उसमें उसमें रैंडम नंबर रैंडम आ नंबर जाएगा, आ जाएगा, किसी का एक किसी का सही एक होगा, सही दो एक ही होगा। होगा। ठीक है ठीक ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि है आप मैम। कैसे भी मान लीजिए कहां से उठाएगा, तो वहां पे आप रैंडम नंबर दे दोगे तो कोई भी एक नंबर देगा, उस भी हाँ पे आप उसको उठा लोगे, डेटा लुकअप कर लोगे। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है समझ ठीक गया। है। उसके बाद आता है यस एंड नो। यस एंड नो मतलब कि हमने यहाँ पे डाल दिया न्यू, क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन तो रहेगा। यस नो हाँ, करके देंगे। सुपर, यस नो वहां पे चेक बॉक्स आ जाएगा, यस एंड नो। तो यस नो सेलेक्ट करते हैं, तो इसके भी टाइप यहां से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप क्या क्या है, ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ, तीन में से कोई एक दे सकते हैं। ठीक है, ओके हाँ ये अच्छा है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको दिखेगा यस नो, यहाँ चेकबॉक्स दिखेगा, एक मिनट, इस तरह चेकबॉक्स दिखेगा, क्लिक यस नो। लेकिन जब डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे ना, या फिर रिपोर्ट फॉर्मेट में, या फिर किसी एक्सेल में या वर्ड में या किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे यस नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ होगा, जो आपने डिजाइन करते समय सिलेक्ट किया है। लेकिन ऐसे आपको एक्सेस के अंदर इसी तरह से चेक चेक और अनचेक दिखे। ओके ओके ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यस नो के बाद ओएलई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लेवल जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सर। तो इसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, ये तो आगे की चीज है। हाइपरलिंक, जैसे कि आप कोई पाथ डालना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला साइट, तो साइट डालने से क्या होगा कि वहां पे ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक क्लिक हो जाएगा, मतलब कि आप टेबल पे क्लिक करते ही उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जैसे हाइपरलिंक बन जाएगा वहां पे, हाइपरलिंक समझते हैं ना सर। हाँ। हाँ, तो अभी ये तो अभी ये हाइपरलिंक अगर हाइपरलिंक हुआ अगर ना हुआ यहाँ रहा पे है तो तो मानिए मानिए वो लिंक पे दे लिंक पे सकते हो दे क्या, सकते हो उस क्या, पर उस क्लिक लिंक पे करने से क्लिक कहीं करने चला पे कहीं जाएगा। चला जाएगा। हाँ, वही वही हाइपरलिंक से तो बना ना, क्लिक करते जो भी आप डालेंगे उस लिंक पे चला जाएगा। अच्छा तो तो पाथ या पाथ उसका या जो भी उसका है जो भी लिंक है लिंक, वो मुझे वो मुझे नीचे नीचे फील्ड फील्ड ऑप्शन में डाल ऑप्शन के में रखना डाल के पड़ेगा। रखना पड़ेगा। नहीं, आप जो डेटा डालेंगे ना वो पाथ क्रिएट होगा, जैसे यहाँ देखिए मैं लोग से अमाउंट वन कर देता हूँ, एक नाम के दो फील्ड नहीं हो सकते ना। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डीटी वन करते ही है, आपका साइट आया ना, अब यहाँ पे www. हमने लिख दिया google.com, तो गूगल डॉट कॉम जो है वो पाथ हो गई हमारी, इसमें क्लिक करते हैं आपका गूगल खोल जाएगा। खोल दिया गूगल, ओके तो जो यहां पे जो एड्रेस आप टाइप करेंगे उसको खोल देगा। ओके समझ ठीक है, गया। तो उसके एड्रेस बाद मैं वहां पे, वहां यहाँ पे पे जैसे यहां पे जैसे गूगल का है गूगल तो का है, तो मैं कोई मैं भी कोई भी साइट यहां पे जो का भी आप टाइप दे साइट सकता हूँ। जो भी पाथ डालेंगे ना उसका लिंक बन जाएगा, चाहे आप जो डालें, और हर किसी के अलग अलग होगा। फील्ड में आप सेट कर देंगे तो एक ही खुलेगा, तो क्या फायदा हुआ, अगर इसकी प्रॉपर्टी में सेट करने का ऑप्शन दे दिया तो कोई एक ही खुलेगा ना। लेकिन तो डेटाबेस है, जैसे ईमेल आईडी हो गई, वेबसाइट हो गया, फाइल पाथ हो गया, तो हर एंट्री का अलग अलग होगा ना सर। तो ये जो तो ये है जो ये है लिंक ये लिंक खुलेगा, खुलेगा, शेयर्ड शेयर फोल्डर का पाथ फोल्डर का दिया तो पाथ भी दिया खुल तो जाएगा। खुल जाएगा। ये जो भी पाथ होता है हाइपर लिंक को फॉलो करता है ना, हाइपर लिंक नहीं होता है, जैसे वेबसाइट वगैरह में होता है क्लिक करते ओपन होता है,
हाँ तो जो ठीक है एड्रेस देंगे वो समझिए, एड्रेस को ओपन कर देगा। ठीक ठीक है। है। ठीक। अब डिजाइन बोर्ड में आगे बढ़ते हैं इसमें। हाइपरलिंक बनाते अटैचमेंट, क्या आप यहाँ अटैचमेंट कर सकते हो, जैसे फोटो वगैरह कुछ ऐसा अटैचमेंट यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी फाइल अटैचमेंट कर सकते हो और कितना भी कर सकते हो। तो फाइल अटैचमेंट बन के कैसा आएगा, चलिए दिखाता हूँ आपको, या इस तरह का है। अब इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस तरह का अटैचमेंट भी खुलेगा। ऐड पे जाइए और जो अटैचमेंट देखना है डालना है, एक से ज्यादा जितना डालना है उस पे यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है। बट ही एक सी अच्छा फाइल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओके, एक सी फाइल नहीं आएगी। जी। ओके फिर डिजाइन व्यू में आते हैं या अटैचमेंट में। अटैचमेंट के अंदर में आप देखे करेंगे तो कोई ऐसा चीज नहीं है। इसमें एक चीज और आता है कि हर फील्ड में एक चीज दिखेगा, रिक्वायर नो या यस, मतलब कि जैसे कोई फील्ड आपको ये करवाना है कि नहीं, ये तो डालना ही डालना है। जो होता है ना, आप वेबसाइट पे जाते हो तो स्टार लगा रहता है, तो जब तक अगर आपने रिक्वायर्ड में, चाहे जो फील्ड, सारे फील्ड की बात कर रहा हूं, सब में रिक्वायर्ड होता है। अगर रिक्वायर्ड में अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा कि आपने यस कर दिया तो आपका लेगा ही लेगा, नो कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं है। हर फील्ड में आपको रिक्वायर्ड दिखेगा। अगर अच्छा जो फील्ड ओके डालना कंपल्सरी है उसको यहां से आप चेंज कर दीजिए, नो क्यों कर दीजिए यस। ठीक है। तो मैं एक्चुअली समझा नहीं, अगर मुझे कोई फील्ड नहीं चाहिए तो मैं वो फील्ड दूंगा ही नहीं ना, वही तो तो नीचे से यस दिक्कत कर है देने ना, से वही क्या तो होगा? दिक्कत है। नहीं चाहिए, नहीं ना, मुझे मान लीजिए कि आप एक डेटा एंट्री करवा रहे हो, एक हाँ अकाउंट एंट्री करवा रहे हो, सैलरी एंट्री करवा रहे हो, तो अकाउंट नंबर देना जरूरी है सर। हाँ हाँ क्या मान लीजिए कॉन्टेक्ट डिटेल आप सेव कर रहे हो, तो सब कुछ आपने डाल दिया, आपने नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, आपने फोन नंबर डाला ही नहीं, तो गलत एंट्री हो गई ना। अच्छा अब तो मैं आपको ये समझ कंपल्सरी गया। करना है कि नहीं, फोन नंबर तो डालना ही डालना है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा, जब भी तो हम कोई मतलब डेटा ऐसा एंट्री करते हैं तो कैसे? कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिक्वायर्ड फील्ड, जिसको हमें एंट्री हाँ करनी जरूरी होती है, उसके बगैर कोई भी एंट्री वैलिड नहीं माना जाए। हाँ मतलब वो एंट्री वो अगर मैं एंट्री अगर मैं रिक्वायर्ड यस रिक्वायर्ड कर यस दिया कर तो दिया उस टेबल में टेबल में, अगर कोई अगर उसको कोई नहीं उसको डाल के नहीं आगे डाल के जाता आगे है और जाता है सेव और करते हैं सेव तो कर सेव रहे नहीं हैं, होगा, वो नहीं, वो बोलेंगे आगे कि आप बढ़ेगा नहीं, अपडेट फील्ड से करो। बाहर ही नहीं निकलेगा, इसको डालना ही होगा। ओके ठीक है ना, ठीक समझ गए। हाँ समझ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका था लुकअप विजार्ड, जो कि बारे में कल बताए हैं आपको, कोई अगर लिस्ट क्रिएट करनी है तो इसका लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो लुकअप विजार्ड में मैंने आपको बोला था टाइप करना सिखाना। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी टेबल से लेना हो तो कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने अगर कोई लिस्ट टेबल बना दी, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया शॉर्ट टेक्स्ट में, हमने यहाँ पे लिख देते हैं नेम सिटी, ओके, और मैं यहाँ पे अपनी सिटी की एंट्री कर देता हूं कि भाई पुणे नोएडा दिल्ली उदयपुर इंदौर कानपुर, इस तरह से एंट्री कर दी। ठीक है, लिस्ट बन गई हमारी। अब मैं चाहता हूं इस सिटी लिस्ट जो है मेरे टेबल में आ जाए। ठीक है, यहां से टेबल वन में यस किया और यहां पे सिटी करता हूं कि सिटी से है। तो मुझे ए जो DT1 के अंदर जो सिटी चाहिए वही चाहिए, तो यहां पे मैंने जो है सिटी डाला और यहां शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पे हमने लुकअप विजार्ड कर दिया। क्या कर दिया? लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में यहां देखिए, आई वॉन्ट टू लुकअप द टेबल फील्ड नेक्स्ट, कौन सा सिटी से टेबल है, सिटी है, और यहां पे सिलेक्ट किया, इसमें से मुझे सिटी चाहिए, हमने सिटी ले लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हाँ स्टेप्स बोलिए। थोड़ा स्टेप्स एक बार थोड़ा रिपीट एक बार करें कि आपने सिटी में शॉर्ट में टेक्स्ट शॉर्ट दिया। टेक्स ठीक किया, है देखिए शॉर्ट टेक्स नहीं, शॉर्ट टेक्स तो बाई डिफॉल्ट आया, हमने उसको चेंज करके लुकअप विजार्ड पे गए।
लुकअप विजार्ड पे हो गया। लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आई वांट टू लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनोदर टेबल और क्यूरी, नेक्स्ट किया, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे ठीक है सिटी को सेलेक्ट किया, देन किया नेक्स्ट, और फिर यहां से सिटी को लेके ऐड कर दिया, देन नेक्स्ट कर दिया, एंड नेक्स्ट करते देखिए पूरा लिस्ट आ गया, देन फिनिश कर दिया। ठीक है ठीक है, हाँ अब यहां पे हम आते हैं DT1 में, तो देखिए लिस्ट, सिटी लिस्ट आ गए, कानपुर तक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, सिटी में जाकर कोई नया ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड कर दिया पटना, ठीक है, ऐड कर दिया और इसको सेव करते हुए बंद किया। अब यहाँ देखेंगे आप, ये नहीं आया, एक बार ओपन करिए, ओपन करना पड़ेगा। पटना आ गया। तो मैनुअली अगर टाइप करते तो आपको हर बार इंक्रीज करना पड़ता, बट इसमें आपने टाइप कर लिया। अब इसके अंदर हम जाते हैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में, तो आप यहाँ फील्ड साइज यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, लुकअप में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट क्या लगा हुआ है, एसक्यूएल क्यूरी लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आप एसक्यूएल क्यूरी इसमें डाल भी सकते हैं। अच्छा ओके, ओके हाँ ठीक है ना, ठीक है जूम में जाके डायरेक्ट आप डाल सकते, सिलेक्ट सिलेक्ट सिटी डॉट आईडी डॉट सिटी फ्रॉम द सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है, अगर मैं इसको लिस्ट बॉक्स कर दूँ तो लिस्ट बॉक्स की तरह खुल के आएगा, ठीक है। यहां से टाइप, यहां से, ठीक है, लुकअप विजार्ड समझ में आ गया। हाँ कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का डिफरेंस क्या हुआ? वो लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे आया, वहाँ पहले पहले भी तो वैसे ही तो आ रहा था, वैसे आ पूरा रहा था, लिस्ट आ पूरा रहा लिस्ट था। आ रहा था, देखिए ये रहा। आपको इस पे क्लिक करना होता है, कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स में आपको इस पे क्लिक करना होता है, तब खुलता है, ठीक है ना। अच्छा लेकिन अगर DT1 पे क्लिक करो तो लिस्ट बॉक्स पे कर्सर रखते ही आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। नहीं यार, जाना चाहिए था लिस्ट, कर्सर रखते ही लिस्ट आ जाता है, तो क्लिक नहीं करना पड़ता, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ सेव नहीं किया थी मैंने। सेव तो है, लग रहा है एक्सेस में रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लिस्ट बॉक्स तो मोक्स में ही होता है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात है स्क्रॉल, स्क्रॉल जो है आपका आता है इस तरह से, स्क्रॉल आता है लिस्ट बॉक्स में, ठीक है, क्लियर है। स्क्रॉल तो मेरे ये जो स्क्रॉल नहीं दिख रहा है, ऐसे अगर लिस्ट ज्यादा होगा तो स्क्रॉल आएगा पे अच्छा ओके यहां पे, ये जो है यहाँ पे स्क्रॉल आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे हम लोग वीबीए में फॉर्म बनाते हैं ना, तो उसका लिस्ट बॉक्स रहता है, वो कॉम्बो अलग है, वीवीए फॉर्म को यहाँ रिकमेंड मत बॉक्स रहता है। कीजिए, वीवीए फॉर्म का रिकमेंड कीजिएगा फॉर्म पे, जो फॉर्म दिख रहा है ना इस फॉर्म पे कीजिएगा, टेबल में नहीं सर, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टेबल का फॉर्म अपना अलग में सिस्टम है अच्छा सर, ठीक है ना। जो हम वीवीए में करते हैं वो अलग चीज, ओके okay? ओके तो टेबल के अंदर जितने भी ए है आपके क्या बोलते हैं मैम, डेटा टाइप्स थे उसके बारे में समझ में आ गया सारा। सिर्फ मैंने ओनली ऑब्जेक्ट नहीं बताया क्योंकि इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया, बाकी सब बता दिया। हाँ आपने सब बता दिया ठीक है ठीक है ना, क्लियर है। दूसरी चीज, यहां पे एक चीज और होती है कि आप लुकअप विजार्ड के अंदर ए कर सकते हैं, डेटा ला सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन आप चाहेंगे कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में जैसे वी लुकअप लगाते हैं, इस तरह से लुकअप यहां आ जाए, तो वो चीज यहां पे नहीं होता है, ठीक है सर, क्योंकि इसमें कोई रो सोर्स नहीं होता है, और डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर जो है आप कोई फॉर्म फंक्शन तो लगा सकते हैं, बट कोई इसमें देखेंगे लुकअप फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है सर। डी लुकअप फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, वी लुकअप या डी लुकअप होता है, तो यहाँ पे डी लुकअप फॉर्मूला नहीं है। तो ये आपको वाला नहीं डेटा होगा। एंट्री कैसे है, वी लुकअप की तरह जैसे हमने अकाउंट नंबर डाला और पूरा आ गया, तो टेबल में नहीं होगा, वो फॉर्म में होगा पर टेबल में नहीं होगा, क्यूरी में होगा पर टेबल में नहीं होगा, ठीक है। वी लुकअप, बट मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसको एक बार फिर से बताएंगे। सर आप भी लुकअप यूज करते हैं ना एक्सेल में, आपने हाँ। अकाउंट नंबर डाला और बाकी कॉलम्स में डेटा अपने आप आ जाता है, हाँ। वो फीचर यहाँ टेबल के अंदर नहीं होता एक्सेस का, अच्छा, समझ गया। मतलब मैम किसी का फॉर्म के भी अंदर, मान फॉर्म के लीजिए। अंदर और क्यूरी के अंदर हो सकता है लेकिन टेबल के अंदर नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब आप बोलना आप चाहते हैं कि बोलना चाहते मैं हैं फॉर एग्जांपल फॉर अकाउंट एग्जांपल नंबर या अकाउंट फोन नंबर नंबर किसी किसी का का डाला, डाला जैसे या मान किसी का लीजिए ना आईडी कि आप डाला, आपने दो वन टेबल बना स्टार। रखा है, एक टेबल में कस्टमर डिटेल है, दूसरा टेबल में आप सेल्स डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ कस्टमर का आईडी डालूं, कस्टमर डिटेल टेबल से ऑटोमेटिकली बाकी डिटेल आ जाए, मुझे टाइप ना करना पड़े, हाँ, ये चीज वो आपको चीज एक यहाँ पे इस नहीं टेबल में होती। नहीं होता है, ओके फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है समझे। तो ठीक है। चलिए इस पे बनाइए, अगली क्लास कल की क्लास में हम बात करेंगे टेबल के अंदर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है टेबल के अंदर वो हम बात करेंगे, और कल से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शुरू होगी आपकी, क्योंकि इसमें हम फंक्शन फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे सर, ठीक है सर। कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर जो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं इसके बारे में पढ़े, टेबल का लास्ट स्टेप होता है, उसके बाद टेबल खत्म हो जाएगा, फिर हम मूव टू करेंगे फॉर्म और बाकी चीजों के ऊपर, ठीक ठीक है, है। ओके। चलिए।